हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है ताजमहल पर हिंदी निबंध। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। भारत में ताजमहल सबसे आकर्षक और ऐतिहासिक स्थल है। ताजमहल भारत का सांस्कृतिक स्मारक है। ताजमहल उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित है। ताजमहल को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। आगरा का ताजमहल भारत की शान और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। यह पूरी दुनिया में 7 अजूबों में से एक है। यह आगरा में यमुना नदी के दाहिने तट पर स्थित है। ताजमहल शाहजहां और मुमताज के प्रेम का प्रतीक है, जो दो दिलों के प्रेम की कहानी कहता है। राजा शाहजहां ने अपनी पत्नी रानी मुमताज की मृत्यु के बाद में उनकी याद में इसे बनवाया था। ताजमहल का निर्माण सन 1631 में करवाया था, जो सन 1653 में बनकर पूरा तैयार हुआ था। इसकी ऊंचाई लगभग 73 मीटर मतलब 240 फीट है। ताजमहल को बहुत से कलाकारों और कारीगरों ने कठिन परिश्रम करके बनाया था। ताजमहल को बनाने में लगभग 20,000 कारीगरों ने अपना योगदान दिया था। इसे बनाने के बाद शाहजहां ने सभी कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि ताजमहल जैसी कोई दूसरी इमारत बने। यह सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ बहुत खूबसूरत स्मारक है। इसकी दीवारों पर कांच के टुकड़ों का उपयोग करके कुरान की कुछ आयतों को लिखा गया है। दीवारों पर बहुत खूबसूरत सी नक्काशी की हुई है। इसके बाहर बहुत ऊंचा और सुंदर सा दरवाज़ा है, जो बुलंद दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। इसकी गुंबद के नीचे अंधेरे कक्ष में राजा और रानी दोनों की कब्रें हैं। बहुत सी सजावटी घास और पेड़ इसकी सुंदरता और पर्यावरण की खुशबू बढ़ाते हैं। इसमें कई जगह फव्वारे भी लगे हुए हैं, जो ताजमहल को भव्य और चमकदार बनाते हैं। यह सपनों के स्वर्ग जैसा लगता है। यह भारत में सबसे आकर्षक पर्यटक स्थलों में से एक है, जिसे देखने के लिए हर साल हजारों से भी ज़्यादा लोग वहां जाते हैं। ताजमहल बहुत ही सुंदर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।